Assalamu alaikum ji, Dr. Huma Saif, welcome to the show Fun Platter. Fun Platter show that's all about adventures, experiences, interesting aspects of my guests. So aaj hamare saath hai Rahat Mansoor Ali, a very famous event organizer, mashallah, from Doha. Inke credit mein bahut bade bade shows hain. So welcome to the show, Rahat. Assalamu alaikum Huma, kaisi hain aap? I'm good honey, how are you? I'm good. First of all, I would like to thank you for having me in your show. लेकिन मेरा थोड़ा बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड भी रहा है क्योंकि मेरे अब्बू अलाम को जन्नत नसीब करे, ही वॉज अ पोएट, बहुत मशहूर माशाल्लाह शायर थे और बड़े बड़े मुशायरे हमारे घर में हुए, जश्न जमीलुद्दीन अली, जश्न कैफी आजमी, जश्न पीरजादा कासिम, इस तरह करके बहुत सारे नाम हैं जो बड़े बड़े लेजेंड्स शेर व शायरी में हैं. वो एक बैकग्राउंड था जो शुरू से देखा था. नजमुल हुदा. अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह. हाँ बल्कि कैलगरी कनाडा वगैरह में टोरंटो में भी अबू पार्टिसिपेट करते रहे हैं मुशायरों में, काफी मुशायरों में शिरकत की है. अच्छा दैट्स ऑसम. तो बस फैमिली, हाँ आप फैमिली बैकग्राउंड कह लें कि माशाल्लाह से इस तरह का था कि हम लोग सारे, हमने ये देखा हुआ था और खुद मुझे भी शौक था इस फील्ड में आने का. ड्यूरिंग माई स्टडीज मैंने व्हेन आई वाज डूइंग माय ऑनर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, मैंने एक टीवी टीवी लॉन्ग प्ले में भी काम किया था. वो था उम्मीदों के साए नाम था और उसके डायरेक्टर जो है तलत हुसैन अंकल थे. क्योंकि उनकी वाइफ जो है मिसेज रक्षिंदा तलत हुसैन, शी वॉज माई लेक्चरर, माई टीचर. तो हमारा यूनिवर्सिटी में, जी यूनिवर्सिटी में हमारा स्टूडेंट्स डे था, तो उसमें ये के हमारा वैसे यू नो सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. आई वाज लाइक वेरी नॉटी, वेरी एक्टिव, हर चीज में घुसना है, हर चीज में पार्टिसिपेट करना है. आई कैन सी दैट एनर्जी. थैंक यू सो मच. तो उधर स्टेज पे उसमें पार्टिसिपेट किया, तो उसके जो जजेस थे ज्यूरी में मिसेस रक्षिंदा तलत हुसैन और सायरा काजमी थे. जी तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला. तो वहां से फिर मैम रक्षिंदा ने मुझे ऑफर किया कि तुम तलत के ड्रामे में काम करो. तो आई वाज स्टडिंग और मुझे तो बड़ा शौक भी था, लेकिन जाहिर है एज ऑलवेज एज यूजुअल जो फैमिली रिस्ट्रिक्शंस होती है, नहीं पहले पढ़ाई करो, ये वो काफी चीजें. खैर मैम रक्षिंदा ने, तलत अंकल ने अम्मी अबू से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शूट भी हम लोग रात में नहीं रखेंगे, सारे दिन के होंगे, यूनिवर्सिटी के बाद होंगे. तो वो मैंने फिर, हाँ वो एक मैंने ड्रामा किया था लॉन्ग प्ले, उसके बाद नहीं किया ऑफकोर्स क्योंकि मेन पढ़ाई अपनी कंप्लीट करनी थी. वो की फिर मैं दुहा आ गई थी. दुहा में मैं जॉब कर रही थी. मैं दुहा आई तो मुझे थोड़ा वहां पर ये कि कोई उस वक्त कि मैं 1999 में शिफ्ट हुई थी दुहा, कोई विमेन एसोसिएशन नहीं थी उस वक्त, तो सोशल मीडिया इतना कॉमन नहीं था कि उसके थ्रू आप लोगों को कॉन्टेक्ट कर सकते, आप जानते बड़ा, यानी आप लिमिटेड होकर रह जाते थे. I thought कि why not Rahat start something you know which is good for everyone. So I started Pakistan Women Association. Pakistan Women Association start की उनकी through charitable event के लिए, वो भी जो start initiate जो लिया था charitable event के लिए लिया था, तो वहां से मेरा events journey start हुआ. Okay wow. और कुछ पाकिस्तान का नाम भी हो रहा है साथ साथ, एटलीस्ट लोगों को पता भी चल रहा है कि एक पाकिस्तान का इमेज अच्छा बनता जा रहा है यहाँ पर लोगों के. हाँ क्योंकि अमूमन वो लोगों के जहन में पाकिस्तान का इमेज हो तो वही लड़ाई झगड़े और वो सारी चीजें आती है. तो वो मुझे पिक्चर पेंट की दैट वाज एग्जैक्टली जैसा कि हमारे जहन में अफगानिस्तान की है. तो देन आई वाज लाइक रियली, मतलब मैं कह नहीं यार वो मतलब काफी डेवलप्ड है और हमारे लाहौर बड़े बड़े शहर तो बहुत अच्छे हैं. तो मैं सोचा शायद मे बी अफगानिस्तान भी इतना रन डाउन रुइंड ना हो जितना हमें लगता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर काफी पाकिस्तान का लोगों को हैरानगी भी होने लग गई, भाई अच्छा पाकिस्तान से, इससे पहले तो हमने पाकिस्तानी लेडीज को देखा ही नहीं कोई इतना यानी काम कर रहा हो पाकिस्तान के लिए.
बड़े वहां पे भी अप्रिसिएशन मुझे गवर्नमेंट की तरफ से भी, वहां मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, कतर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से अवार्ड मिला, पाकिस्तान एम्बेसी से मिला और दूसरे काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से, क्योंकि कम्युनिटी के इवेंट्स में कर रही थी उसके लिए मिला. फिर मोर फर्दर जाए तो फैशन शोज का मुझे बड़ा शौक था कि भाई मुझे करना है. होता ना कि खुद अपना भी शौक आपका. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखने में बहुत मजा आता है. तो आई कैन वेरी वेल इमेजिन कि आपको वो जो एड्रेनलिन रश होता होगा वो क्या इतना मजा आता होगा. तो मैंने फिर पहला पाकिस्तान फैशन शो किया दोहा में 2013 और 12 आई थिंक. हाँ, 2013 में मैंने किया जी. उससे पहले कोई पाकिस्तानी फैशन वहां पे नहीं हुआ था, पाकिस्तान फैशन शो नहीं था, कोई बॉलीवुड फैशन शो नहीं था. इवन वहां पर जो फैशन शोज होते थे वो प्योरली, जैसे जो अरब्स के होते भी थे ना, वो प्योरली लेडीज क्लोज डोर फैशन शोज थे. तो हाँ, तो मैंने नया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, नया एक बिल्कुल लेकर आई कि भाई फैशन शोज में यही पब्लिक में मिक्स पब्लिक आपके साथ बैठ के देखने लगी. तो उसके बाद फिर पाकिस्तान फैशन वीक प्रॉपर हुआ जिसमें पाकिस्तान के सारे बड़े डिजाइनर्स, अली जिशान, HSY, जैनब छोटानी, सोबिया नजीर, उसके बाद दीपक परवानी, इमरान राजपूत, यानी नाम आप लेते जाए किसी डिजाइनर का, कोई ऐसा डिजाइनर नहीं है पाकिस्तान से जो नहीं आया हो इस हमारे शो में. क्योंकि मैम ये मिडिल ईस्ट तो बहुत बड़ी मार्केट है ये ब्रांड्स और डिजाइनर उन सब के लिए, नॉट जस्ट पाकिस्तान. मुझे लगता है कि जैसे वो इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी मार्केट है. बहुत बहुत अच्छा एक्सपोजर है उन लोगों के लिए. हाँ, तो किस तरह मतलब ये इतने बड़े जो डिजाइनर्स उनके साथ काम करना, फिर जो मॉडल्स है, हाउ वाज इट? आई मीन योर द फर्स्ट वन लाइक 2013 वन, लाइक यू वर अ बिट नर्वस और व्हाट? जब सबसे पहला फैशन शो किया था मारिया बी वगैरह सब सारे लोगों ने बड़ा कहा था कि जी तुम बस राहत, अब तो तुम जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे रुक जाओ, अभी देखना अभी लोग सारे आएंगे डिजाइनर्स और इनके एटीट्यूड तुम देखना, तुम तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारे ना ना कुछ नहीं चपा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे. तो मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजर टू ऑर्गेनाइजर. क्योंकि अगर आप उनको बुला के डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, तो जाहिर है बंदा, अगर मैं भी कहीं जा रही हूँ और मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके जा रही हूँ, अगर वो फुलफिल नहीं होंगी तो ऑफकोर्स आई विल शो नेगेटिव एटीट्यूड, एंगर, रिजेंटमेंट, गुस्सा, सब कुछ. मेरे आना सारे शुरू हुए गेस्ट, सबसे पहले दीपक परवानी आया. दीपक के बारे में मैंने बड़ा सुना था कि दीपक ऐसा है वैसा है, ही वाज सो काम, सो कूल बंदा, इतना अमेजिंग. लाइक यू नो, हमारा सेटअप हो रहा है, ही वाज स्टैंडिंग, वो हमारे जो टेक्नीशियंस थे, जो टीम थी, उनको सबको उसने आके बताना शुरू कर दिया. बिकॉज ही नोज के उसको पता था कि भाई शी इज न्यू. उसने कहा था, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे करवा लो, इसको यूं चेंज कराओ. मैंने कहा, दीपक नाउ यू आर हियर, प्लीज टेक अ लीड, जो आपको लगता है आप करवाएं, आप इन सबको बताएं कि आपने क्या काम करवाना है, किस तरह का करवाना है, चेंजेस आप करवाएं, नो प्रॉब्लम. लाइक उसने करवाया. फिर HSY आया, उनको जो जो चीजें लग रही थी, उसने कहा, नहीं दीपक ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, इसको हम यूं करवा देते हैं. मैंने कहा, ठीक है करवाओ जो तुम लोगों को लग रहा है. बहुत अमेजिंग टीम, कहते हैं ना, प्लीज निशान, इतना जबरदस्त, यानी इतना जबरदस्त डिजाइनर, इतना उसका काम अच्छा, वो बंदा इतना अच्छा, जैनब छोटानी, यानी जिसका नाम ले, सारे डिजाइनर्स इतने अच्छे, इतने कोऑपरेटिव, हर बंदे ने, यानी कहते हैं ना कि और दे एडेड मोर वैल्यू, हर एक ने अच्छे से अच्छा, क्योंकि भाई उनके लिए भी तो वही प्लेटफॉर्म था जहां उन्हें नेक्स्ट डे अपनी अपने शोकेस करना था. एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, सबने मिलके, यानी मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि कोई नए लोग आए हैं या कोई बड़े लोग हैं, बड़े अच्छे सबने. फिर मीरा का था, सबने कहा जी मीरा आती है, बहुत तंग करती है. I want to know more about Meera, because unke jo wo chote chote wo jo clips hote hain bade viral ho jate hain. As a person, she is so sweet. Bahut sweet person. As a person, as a professional, apne time pe aana, apna kaam karna, aur as a person bahut sweet hai. Yani abhi tak mujhe unke messages aate hain, aapas mein hamari baat cheet hoti rehti hai. Haan, to main dekhi na, har ek ka apna character hai, apni marzi hai. I actually enjoy watching her clips. Jo chote chote clips aate hain na, wo jis tarah bolti hain, it's like, I mean, if you have you are having a bad day, unka koi clip nikalo to aapka din acha guzar jata hai baki. To aapka mashallah itna
मॉडल्स के साथ भी काम किया, तो वो लाइक यू वांट टू टेक फ्यू नेम्स, माशाल्लाह आपने मुझे बताया था आपने शाहरुख खान के साथ भी काम किया एंड करीना कपूर वाज योर शो स्टॉपर. करीना कपूर हमारे शो पर शो स्टॉपर रह चुकी हैं. इमरान अब्बास ही इज आल्सो लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ ब्रदर. बहुत ही इमरान अब्बास इज आल्सो वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत काइंड, बहुत स्वीट पर्सन है. और भाई है मेरा, बल्कि हाँ मेरा मुंह भाई है. एग्जैक्टली हम लड़ते भी बहुत है, बहुत लड़ाई भी होती है मेरी उससे. हम आपस में बहुत लड़ते भी है छोटी छोटी चीजों पर, लेकिन ही इज रियली रियली अमेजिंग पर्सन. शाहरुख खान इज वेरी डाउन टू अर्थ. उसके बाद माया अली आई. माया अली इज ऑल्सो वेरी स्वीट एंड काइंड पर्सन. यू एक्सपेक्ट सम एटीट्यूड यूजुअली, मतलब मैंने तो कभी इंटरेक्ट नहीं किया मैं, लेकिन जैसे आप अभी बताएं सच बिग नेम से आप एग्जाम में आता है कभी दे विल हैव सम वो टेंट्रम्स और एटीट्यूड, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि ज्यादातर तो बहुत ही माशाल्लाह लाइक कंपैटिबल फ्लेक्सिबल. देखिए टेंट्रम्स वगैरह ना इतने सेलिब्रिटीज के नहीं होते जितने इनके मैनेजर्स के होते हैं. वो ज्यादा शो ऑफ कर रहे होते हैं, वो ज्यादा टेंट्रम्स दिखा रहे होते हैं और बेचारे सेलिब्रिटी इनको रोक रहे होते हैं. और बड़ा अच्छा यानी बिहेव करते हैं. काजोल के साथ रहा मैंने आपका वो क्लिप देखा था, इसमें करीना कपूर वॉज योर शो स्टॉपर. तो वो कैसे, वो कौन से किस शेयर में था, हाउ वाज एक्सपीरियंस? वो हम किया था बॉलीवुड फैशन शो किया था कतर टूरिज्म अथॉरिटी के लिए 2018 में. करीना कपूर को बुलाया था, शी वॉज ऑल्सो अमेजिंग. बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा लोगों ने एंजॉय किया. जितनी वो स्क्रीन पे नजर आती है, she is pretty. I really like her. She's very pretty. हाँ नो डाउट. नहीं अच्छी है बहुत, नॉट ओनली आई मीन वेरी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी वाइज भी. खाली एक तो होता है ना कि ब्यूटी की खाली शक्ल आपकी है, बट शी इज लाइक कम्प्लीट पैकेज आई कैन से. और बहुत हिट गया था वो शो भी, बहुत अच्छा रहा. और चल रहे बाकी मर्सिडीज बेंज फैशन वीक है, जिसमें आपके अरब्स के सारे बड़े डिजाइनर्स, यूसुफ अल जस्मी, ज़ियाद नकाद, आपका क्या नाम था, सतबा हमादा, मरियम बिलखयात, सईद अल कुबैसी, ये सारे लेबनीज डिजाइनर हैं. सारे बड़े डिजाइनर्स आपके इसमें आ चुके हैं. That's awesome. आहा. तो वो क्या उनके कपड़े किस तरह, वेस्टर्न आई मीन उन लोगों के? हाँ सारे कशोर कलेक्शन होते हैं. अच्छा अच्छा दैट्स ऑसम. तो कोई कोई इंटरेस्टिंग जो को बड़ा कोई अभी तक याद हो कि जो मेरा जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने का जो करियर, उसमें ये बहुत फनी था. मैं अब मतलब मैं जब बच्चों को भी सुनाऊंगी बाद में वो कोई ऐसे तो बहुत सारे होते रहते हैं. जैसे कभी स्पेशली फैशन शो में कभी होता है कि एक बार किसी डिजाइनर का था, अब लास्ट मोमेंट पे कभी किसी ने गलती से किसी का दूसरे का पिक कर लिया कपड़ा. अब उस वक्त यू नो वो फिट नहीं हो रहा उसमें, अब लोग सारे पहनाने में. और कभी कुछ ने किसी ने इनकम्प्लीट पहन के रैंप पे जा रहा है, उसको पकड़ के खींच लिया, अरे भाई तुम्हारा कम्प्लीट नहीं है, इसको पहले प्रॉपर ड्रेसअप तो हो. तो इस तरह की चीजें छोटी मोटी तो ना फनी चीजें होती रहती हैं. टीम पीछे इतनी प्रोफेशनल होती है क्योंकि सारी आपकी जो फिटिंग्स वगैरह जो होती हैं उससे पहले की जो पूरी पूरा बना हुआ होता है आपका ना वो हाँ पूरा आपका लुक बोर्ड बना होता है. वो उसमें से देख कर हाँ कि भाई उसको उनको पता होता है कि इसको इस तरह पहनना है. मॉडल को तो नहीं याद, ये तो टीम को याद रखना होता है. टीम हाँ टीम उसको फिक्स कर लेती है, लेकिन ये कि बाद में बड़ा हंसते हैं हम लोग यार अगर वो ऐसे चली जाती तो क्या होता. तो राहत क्या और क्या क्या करती है, और कहीं और आपने कोई फैशन इवेंट ऑर्गेनाइज कराए आउटसाइड दोहा? फैशन शो के अलावा भी अब मैं आपको थोड़ी सी पर्सनल लाइफ का भी बताती हूँ. मदर ऑफ थ्री किड्स माशाल्लाह से. हाँ मेरी दो बेटियां हैं और एक बेटा है. और हाँ मैं कुकिंग भी खुद करती हूँ. अक्सर लोग कहते हैं कि इतने उसके बाद आपको कुकिंग का टाइम मिल जाता है. कुकिंग भी मुझे शौक है, मुझे बेसिकली शौक है. और उसके अलावा जो है मुझे गाने का बड़ा शौक है. हाँ मैं सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ. योगा इज माय पैशन एज वेल. हाँ मुझे योगा बहुत बहुत ज्यादा यानी योगा मेडिटेशन आई लव इट. और मैं हाँ तो ये भी मेरा है कि मुझे योगा भी जरूर करनी है. डू यू सिंग?
हाँ ऑफ कोर्स आई डू सिंग. वुड यू माइंड? अच्छा अब आपको सुनाऊं मैं कोई गाना? हाँ 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 इफ यू आर कंफर्टेबल. हाँ हाँ आई एम कंफर्टेबल नो प्रॉब्लम विद दैट. लेट मी थिंक कि कौन सा गाऊं. दो लाइनें चले गाई लेते हैं. दो लाइनें खाली ठीक है आपके लिए. बेका बेका मंजिले रुसवा आए ले जाए इतनी सी जान का कहा था. बहुत ऑसम बहुत ऑसम. सीरियसली आई लव दिस सॉन्ग. थैंक यू बहुत सो ही अच्छा मच. गाया थैंक माशाल्लाह यू. आपने. तो हनी आप अभी अभी स्टक हो आउटसाइड कतर. Would you like to tell something more about that and how was the experience? I mean, for 5 months. हाँ शुरू में तो देखें जब हम आए यहाँ पे हमें तो था कि जी 14 डेज और मैक्सिमम 1 month हम यहाँ रहेंगे और फिर हम चले जाएंगे. क्योंकि कराची से हम लोग क्योंकि फैमिलीज अलग अलग हो गए थे. मैं कराची में स्टक हो गई थी और हस्बैंड एंड बच्चे दोहा वापस आ गए थे. तो मैंने कहा या तो मैं वापस दोहा आ जाऊं और टर्मिनल पे खो जाऊं और टर्मिनल मूवी का नया नया बना लूं टर्मिनल 2 वो हो सकता है या तो आप लोग आ जाएं. तो हस्बैंड ने कहा आप नई मूवी ना शूट करें हम आ जाते हैं. उन्होंने सेम फ्लाइट कैच की और हम जॉर्जिया आ गए. यहाँ जब आए थे हमें लगा चलो एक महीना होगा मार्च के एंड में हमें पता चलेगा कि हम जी वापस जा रहे हैं. मार्च गुजरा अप्रैल गुजरा एक एक महीना करते बढ़ता 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 अब ये जो है आपका अगस्त आ गया है. 6 month स्टार्ट हो गया है. लेकिन ये जगह जो है जॉर्जिया बहुत अच्छी जगह है. मौसम बहुत अच्छा है और बड़ी यानी इकोनॉमिकल जगह है. यानी बहुत बहुत इसकी जो अगर आप जाके चेक करें बहुत अच्छी बहुत और सेफेस्ट प्लेस में आता है. आप रात को 12 बजे 1 बजे भी अकेले यानी घूम ले. किड्स आर एंजॉयिंग दिस लाइक दिस स्टे. किड्स आर एंजॉयिंग बिकॉज़ दे आर स्टेइंग एट होम. दे हैड पहले तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी. उसके बाद अब ये कि उनका गेमिंग्स वगैरह वो साथ लेके आए हुए थे अपनी. तो हनी रहा क्लोज टू द एंड जस्ट अ रैपिड फायर राउंड वुड दैट बी ओके? जी बिल्कुल. सो हनी योर मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इफ यू वांट टू शेयर. एम्बैरेसिंग मोमेंट एज सच आई डोंट नो लेकिन मुझे शायद लगता है कि कभी मैं थोड़ा मुझे हंसने और रोने पर कंट्रोल नहीं है. तो कभी यू नो जो जगहों पे नहीं हंसना आता वहां पे हंस देना. आई कैन रिलेट दैट पुट्स यू इन सच एन ऑकवर्ड स्पॉट. मेरे साथ काफी दफा हो चुका है. बल्कि एक दफा एक ऐसी फ्रेंड थी उसके घर हम गए अफसोस के लिए तो वो तो बेचारी बैठी हुई मैं रोई जाऊं रोई. जैसे एक बार किसी फ्रेंड के भाई की शादी थी वहां पे जब रुखसती हुई हम बारात के साथ गए हुए थे. रुखसती हुई लड़की ने रोना शुरू किया और मैंने भी वो रोना शुरू किया. तो लोग मुझे दिखाने कि इसको क्या हुआ. कह रही यार हम लड़के वाले तुम क्यों रो रही हो. मैंने कहा मैं तो उसको देख के रो रही हूँ. तो हनी इफ यू गिवन एन ऑप्शन विच वन सुपर पावर वुड यू वांट? सुपर पावर द पावर ऑफ माइंड. The best power. I don't know. This is my power because the power of mind is something which I am reading. So I'm not sure कि आपको आपने उस बारे में पढ़ा है या नहीं. I would prefer power of mind. I'm gonna Google it. हाँ, power of mind is the best power. So honey, it was really lovely talking to you. I had great time talking to you. Me, thank you. I really enjoyed. Thank you so much. My pleasure, honey. My pleasure. Have a super awesome rest of the day. Talk to you all, inshallah, later.